सबसे पहला होता है कि सभी लोगों को पता होगा, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कई सारे चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, जैसे कंपनी क्या बेच रही है, ठीक है, वो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी क्या बेच रही है, कंपनी की प्रॉफिट क्या है, सालाना टर्नओवर क्या हो रहा है, कंपनी के पास कितनी कर्ज है, कंपनी मार्केट में किस तरीके से ग्रो कर रही है, इस तरीके से ना जाने कई सारे चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट साथियों, अगर इसमें हम आपको बताएं कि इससे भी आसान, क्योंकि जैसे अगर आप इससे भी आसान और इससे बेहतर होता है जो कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद होता है जो कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, या जो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग लोग हमें उसमें से पैसे कमाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कंपनी क्या बेच रही है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट पार्ट क्या है, कंपनी की किसी भी प्रकार को आपको डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें आपको टेक्निकल एनालाइज की ज़रूरत पड़ता है। तो साथियों, टेक्निकल एनालाइज होता क्या है एंड इसे आपको कैसे एनालाइज करना है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि टेक्निकल एनालाइज किस प्रकार से होते हैं एंड आपको टेक्निकल एनालाइज कैसे करना है एंड आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। साथियों, टेक्निकल एनालाइज मुख्य रूप से जो आपको ये डिफाइंड करना पड़ता है मार्केट में कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट की ट्रेंड क्या है। टेक्निकल एनालाइज हमें किस प्रकार से बताता है कि टेक्निकल एनालाइज में सिंपल, जो कि जितने भी एज ए ट्रेडिंग करने वाले मेंबर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग टेक्निकल एनालाइज से ही लोग ट्रेडिंग करते हैं। 90% लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल एनालाइज से ही ट्रेडिंग करते हैं। साथियों, टेक्निकल एनालाइज में क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार की कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है, कंपनी की जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बेस्ट है, मतलब कंपनी की सारे चीज़ सही है और हम लोग प्राइस के ऊपर ही काम करते हैं। इसे साथियों टेक्निकल एनालाइज कहा जाता है। टेक्निकल एनालाइज में सबसे पहले हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या है। मार्केट में टोटल तीन प्रकार के ही ट्रेंड लाइन चलते हैं। पहला ट्रेंड लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। हम जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड, साथियों इस प्रकार से ये ट्रेंड चलता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई, हायर हाई, ओके। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई, मतलब हायर हाई बनाते हुए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए चले जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट एंड ये अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो ये मार्केट का एक अप ट्रेंड होता है। इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं, हायर हाई है, ये हायर हाई लगाते हुए मार्केट जा रहा है एंड ये हायर लो, हायर लो, हायर लो लगाते हुए मार्केट जाता है, ये होता अप ट्रेंड। एंड इसे हम दूसरे भाषा में, इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव वेव, कनेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, कनेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, कनेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, कनेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। जब भी मार्केट, अगर देखेंगे आप ध्यान से, जब मार्केट का एक अप ट्रेंड हो तो आप ध्यान से जब देखेंगे ना, तो आपको हमेशा जो इम्पल्सिव वेव होगा ये बड़ा होगा एंड कनेक्टिव वेव छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इम्पल्सिव वेव जो है वो कनेक्टिव वेव से बड़ा होना चाहिए, इम्पल्सिव वेव जो है वो कनेक्टिव वेव से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हायर हाई जो है, ये जो हायर हाई है, हायर हाई, हायर हाई, वो हायर लो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये होता है मार्केट का अप ट्रेंड। साथियों, नेक्स्ट होता है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कुछ इस प्रकार से चलता है, आप इसे भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से साथियों, डाउन ट्रेंड कुछ इस प्रकार से चलता है, आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। इससे आप, इसे जब कंफर्म तरीके से हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से कुछ ये ट्रेड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर हायर हायर लो, लोअर लो एंड हायर लो, ये हो गया एंड लोअर लो, ठीक है। हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, ठीक है।
इस तरीके से जब मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो आप इस चीज़ों को एक बार ज़रूर ध्यान देंगे कि मार्केट में ये जो होता है इम्पल्स कनेक्टिव वेव, ठीक है, ये जो कनेक्टिव वेव होता है वो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव वेव से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक, इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से ही है। एंड उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रेंड होता है जिसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, जो कि एक ऊपर रेजिस्टेंस होता है एंड एक नीचा सपोर्ट होता है, एंड मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में, सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में, रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में, सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में, रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में, सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में, इसी बीच में ट्रेड करते हैं, तो इसे हम लोग साइडवेज ट्रेड कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने डिसाइड किया कि कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा साथियों डाउन ट्रेंड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डाउन ट्रेंड, एंड तीसरा साथियों साइडवेज ट्रेंड होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, ये प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए साथियों बाकी बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मान लिया जाए इस प्रकार से आप जब डिफाइन कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, साइडवेज है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो इसके लिए हमको एनालाइज करना पड़ता है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। जैसे आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे चलना होगा, एंड डेली टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम ओपन कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, ये निफ्टी 50 है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। आप इसको देखें ध्यान से, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ये छोटा सा यहाँ पे फॉल है, इस चीज़ों को आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट के कहीं ना कहीं मुख्य रूप से एक ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये एक मार्केट का डाउन ट्रेंड है क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था, इसके बाद गिरा हुआ, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, जो कि ये आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से मार्केट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का एक डाउन ट्रेंड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे साथियों। जैसे आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं तो देखिए, 4 आवर के भी टाइम फ्रेम पे जब इसको हम छोटा सा कुछ और कर लेते हैं, एंड आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मार्केट का यहाँ भी आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट का यहाँ पर भी आपको ट्रेंड दिखेगा, डाउन ट्रेंड, ओके। यहाँ पर भी देखेंगे आप ध्यान से तो मार्केट का यहाँ पर भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। चलिए हम आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड लाइन, जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर भी मूव कर रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ कर लेंगे, ओके। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से एक चैनल में मार्केट जो है सो मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक ट्रेंड लाइन डिफाइन करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड लाइन है क्या, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां से हम लोग डिफाइन करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं साथियों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे आ गए हैं तो आप यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि साथियों आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर भी मार्केट का एक डाउन ट्रेंड है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि मार्केट का जो एक ट्रेंड है ये एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो हमने एक कन्फर्मेशन ले ली कि मार्केट कन्फर्म तरीके से कहाँ चल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब जब मार्केट का पुलबैक होगा तब तब हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, पहले तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया मार्केट का ट्रेंड ड्रॉ करना, हम लोगों ने सीख लिया कि मार्केट जो है तो डाउन ट्रेंड में। तो इसमें हम बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करेंगे, तो साथियों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ कहाँ करना और कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि अगर मार्केट का ट्रेंड
जैसे अभी हमने डिसाइड कर लिया और हमने देख लिया क्या है, मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, मार्केट का एक ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट का एक ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट का एक ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो हमें किस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को, किस चीज़ को, रेजिस्टेंस, ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, ना कि सपोर्ट ढूंढना है। एंड अगर मार्केट, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड मतलब समझ रहे हैं, जैसे चले हम पीछे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा पीछे हम लेकर के चलते हैं, एंड आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो ना तो हमें वहाँ पे सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, मार्केट क्या है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, देखिए ध्यान से, अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, हम इसमें ढूंढेंगे क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या ढूंढेंगे, हम सपोर्ट ढूंढेंगे, ओके, हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, सपोर्ट ढूंढेंगे। कहाँ सपोर्ट ढूंढेंगे, मार्केट जब अप ट्रेंड में मूव करेगा तो हमें सपोर्ट ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी नए नए बनते चले जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो हमें क्या ढूंढना है, तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नए नए सपोर्ट बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों इस चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर मार्केट का हमने डिसाइड कर लिया और मार्केट को हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाकर के देख लिया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा हो तो हमें सपोर्ट खोजना है, सपोर्ट खोज करके हमें बाई करना है, एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो हम लोगों को रेजिस्टेंस खोजना है, एंड रेजिस्टेंस खोजने के बाद हमें वहाँ पे सेल करना है, ठीक है। तो यानी कि पी बाई करना होता है, ठीक है, यानी कि पी हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे, ठीक, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें हम लोग क्या बाई करेंगे, पी बाई करेंगे, लेकिन कब बाई करेंगे, तो जब हमारे रेजिस्टेंस पे मार्केट आएंगे तब हम उसमें बाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी दो पॉइंट को मिला करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड ये होता है कि आप कितने मार्केट में रहना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफाइन करना, यानी कि किसी ने यहाँ पे पी बाई किया होगा तो वो उस हिसाब से अपना यहाँ पे डिफाइन करेगा, एंड उसके बाद अपने प्रॉफिट के अनुसार वहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जब जब इस लाइन पे आएगा तब तक मार्केट नीचे गिरेगा, लाइन पे आएगा मार्केट को नीचे गिरना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट का एक ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, इस चीज़ों को ध्यान रखें, मार्केट का एक ट्रेंड क्या था, मार्केट का एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान रखें, क्या है मार्केट का ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट क्या किया, गैप, मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया। अब जरा अंदर यहाँ पे क्या है कि गैप अप, थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया है, देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से मार्केट क्या ऊपर है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे लॉस किए, लेकिन इस चीज़ों को आप दिमाग लगाए कि मार्केट का क्या है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, तो क्या हम इसमें सी बाई करेंगे, नहीं बाई करेंगे, हम लोग क्या बाई करेंगे, पी बाई करेंगे। तो हम लोग वेट करेंगे कन्फर्मेशन का, जैसे हमें कन्फर्मेशन मिला पी बाई करने का और हम वहाँ पे पी बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम है, आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे, एंड और इस चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे आप कर लेते हैं, करने के बाद इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि अगर अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है एंड डाउन ट्रेंड में अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन आपको अप ट्रेंड में मौका मिल रहा है बाई करने के लिए, तो आप अप ट्रेंड में बाई करेंगे तो आप अपना, मान लिया जाए सपोज डेट, अगर आप 20 क्वांटिटी से डेली ट्रेड करते हैं तो आपको उस वक्त 1 से लेकर के 5 के बीच में ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है एंड मार्केट कहाँ आपको ट्रेड दिया, ऊपर दिया है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि मार्केट के डायरेक्शन में जब भी आपको मिला बाई करने का मौका तो आप वहाँ पे बाई करेंगे फुल क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ। और फुल क्वांटिटी कहाँ पे बाई किया जाता है, ये चीज़ आपको डिफाइन करना होगा कि मार्केट जब ब्रेकडाउन दे, जब मार्केट ब्रेकआउट दे, वहाँ पे जो है सो फुल क्वांटिटी आपको बाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सारे चीज़ हम अगले वीडियो में आपको कवर करेंगे एंड आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट फुल क्वांटिटी हमें कहाँ लेना है। हाँ, फिलहाल अभी मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे आपको फुल क्वांटिटी
19,200 के अगर मार्केट ब्रेक करता है नीचे, तो आप यहाँ से फुल क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है एंड आपको बहुत बड़ा अच्छा सा एक सपोर्ट यहाँ पे जो है 19,200 बहुत अच्छा सा सपोर्ट है एंड जैसे इसका ब्रेक होगा तो मार्केट बहुत अच्छा फॉल करेगा, जो कि आपको 19,000 तक लेकर के मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको देख करके सोच समझ करके ट्रेड करना है, रिस्क आपका रहेगा, अच्छे तरीके से पहले एनालाइज करना है, एनालाइज के हिसाब से बड़े बड़े अगर आपको ट्रेड लेना है, बड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि बिना मतलब बिना ट्रेल स्टॉप लॉस को आपको बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि आया हुआ घर का लक्ष्मी कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, मान लिया जाए उनका 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, अब 1,000 रुपया से वो नीचे आ करके 1,000 रुपया लॉस में बुक करते हैं, 1,000 रुपया लॉस में बुक करते हैं, 2,000-5,000 लॉस बुक करते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। आपके यहाँ लक्ष्मी माता आ करके चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि अगर मान लिया जाए आपने बाई किया एंड आपका 500 प्रॉफिट हो रहा है, आप ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चले, मार्केट जहां तक आपको लेकर के जाएगा आप जाएंगे, जहां से मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा वहां से आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा, तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आप हमेशा ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, आपका लॉस नहीं होगा, ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा, हाँ लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होंगे एंड आपका लॉस नहीं होगा एंड आप हमेशा हर मंथ प्रॉफिट में रहेंगे, इस चीज़ों का ध्यान